जब भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि के बीच होते हैं तब देवी शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 4 बार का अर्थ ये है कि ये वर्ष के महत्वपूर्ण 4 पवित्र माह में आती है। ये 4 माह हैं पोष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। आषाढ़ और अश्विन माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये नवरात्रि साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि मनाए जाने के पीछे एक कथा भी है। शिवपुराण के अनुसार पूर्वकाल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न करके 4 वेद प्राप्त कर लिए। तब वो उपद्रव करने लगा और वेदों के नष्ट हो जाने से देव, ब्राह्मण, पथ भ्रष्ट हो गए, जिससे पृथ्वी पर वर्षों तक अनावृष्टि रही। देवताओं ने माँ पराम्बा की शरण में जाकर दुर्ग का वध करने का निवेदन किया। माँ ने अपने शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुरा सुंदरी और मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याओं को प्रकट कर दुर्ग का वध किया। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्रि मनाया जाने लगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। इन देवियों को गुप्त नवरात्रि में विशेष तौर पर पूजा जाता है और कई तंत्र साधना से जुड़े हुए लोग सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए गुप्त नवरात्रि में पूजन अर्चन करते हैं। ये पूजन अर्चन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी को बताए गुप्त रूप से किया जाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।